प्रणाम और प्यार, मैं हूँ सुनिधि राय। उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस में बहुत सारे स्टॉल लगे हुए हैं, पर एक जो केंद्र वाला स्टॉल है जिस जो लोगों का ध्यान खींच रहा है वो है प्राइड मेट्रो स्टेशन का स्टॉल। आइए यहाँ पे इस स्टॉल के अंदर चलते हैं और बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इस स्टॉल को लगाने का, जो कि NMRC का स्टॉल है, उसको लगाने का मकसद क्या है, किस तरीके से उसका संचालन किया जाता है। आइए इसके बारे में बातचीत करते हैं। हेलो, ये स्टॉल क्यों लगा है, आप लोग अपना पहले परिचय दीजिए। हाय, मेरा नाम माही गुप्ता है। आपका? मेरा नाम प्रीति। आप? पान्या। मेरा नाम काजल। हाँ, तो ये जो स्टॉल लगा हुआ है इसके बारे में आप थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों को। ये स्टॉल लगा है कि नोएडा NMRC अपने काम को कितना आगे बढ़ा रही है और क्या क्या सुविधाएं ला रही हैं लोगों के लिए, साथ में ही वो ट्रांस वुमन के लिए भी, ट्रांसजेंडर के लिए भी, जैसे ट्रांस मेल ट्रांस वुमन को उन्होंने जॉब दी है नोएडा सेक्टर 50 में, उनके बारे में है कि वो समाज में कैसे चेंजेस ला रहे हैं, ट्रांसजेंडर को जो कोई काम नहीं देता उनको काम दे के उनको लाइफ में आगे बढ़ने का मौका दे रहे, तो ये सब उन प्रोग्रेस के बारे में है। जी, तो ये जो प्राइड स्टेशन बना, इसके बनने के बाद से आप लोगों के जीवन में कितना अंतर आया है? इसमें ये है कि हमें पहले जो था अलग नज़र से देखा जाता था, क्योंकि ट्रांसजेंडर्स को लेके ना लोगों की धारणा यही बनी हुई है कि ये लोग बदतमीजी करते हैं, ये लोग सिर्फ ट्रेन मांग सकते हैं रेड लाइट पे। तो NMRC ने जो हमें ये मौका देके हमारे लिए तो एक तरीके से बहुत अच्छा किया। यहाँ पे स्टेशन पे आने के बाद हमारी लाइफ में बहुत चेंजेस आया है। क्या एक चेंज, दो चेंज बताना चाहेंगे? चेंजेस ये है कि जो पहले लोग हमसे बात नहीं करते थे, डरते थे, वो लोग हमसे बात करते हैं, अभी रिस्पेक्ट और मिलती है, रिस्पेक्ट पूरी मिल रही है। जैसे पहले इग्नोर कर देते थे, नहीं इनसे बात नहीं करना, ये लोग तो ऐसे ही हैं, लेकिन अब पूरा हमें रिस्पॉन्स दिया जाता है। क्या एक इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट बताएं कि इसके पहले आप क्या थी, प्राइड स्टेशन बनने से पहले आप क्या थी और अब आप क्या है? पहले मैं एक NGO में जॉब करती थी, वहाँ पे ये था कि मतलब काम करने जाओ और वापसी आ जाओ, घर से बाहर जाना बहुत मुश्किल था, कोई बात नहीं करता था, कोई रिस्पांस नहीं देता था, लेकिन यहाँ पे लगने के बाद सबका रिस्पांस पॉजिटिव है। कुछ एक्सपीरियंस बताना चाहेंगे अपना? मैम, लेकिन मेरे यहाँ पे जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी ऑल ओवर काफ़ी अच्छा रहा है, और यहाँ से जो मेरा स्टार्टिंग से जो अभी तक चल रहा है दैट वाज वेरी अमेजिंग। ठीक है, एक होता है कि रिस्पेक्टफुल प्लेटफॉर्म मिला हमें इस टीम के संग जुड़कर, एक हमारा एक होता है ना जिंदगी में जीने की चाह, वो हमें मिली है कि नहीं हमें आज यहाँ पर है, हमें यहाँ से और आगे बढ़ना है। हाँ, सो विजन क्या है आपका, मतलब कितना आगे जाना है, प्राइड को लेके कितना आगे जाना है? मैम, जैसे कि हमें जॉब दिया है NMRC वालों ने, वैसे हमारे और लोगों को जॉब मिले मैं ये चाहूंगी, और बाकी लोग पहले हमें देख के मुंह बनाते थे, अब लोग खुश होते हैं, बेस्ट ऑफ लक करते हैं, क्योंकि मैं टिकट बेचती हूँ तो सर मैडम करके बात करते हैं, कोई मैडम बोलता है, कोई बोलता है कि अच्छा काम कर रहे हैं आप, बेस्ट ऑफ लक, बहुत से हैप्पी होते हैं। पहले क्या होता था कि सुबह सुबह लोग हमारे शक्ल देखते थे, बोलते थे कि अरे आज तो पूरा दिन खराब हो जाएगा, अब तो खुश होते हैं, बेस्ट ऑफ लक करते हैं कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। कहीं ना कहीं प्राइड स्टेशन जो बना है वो हमारे लिए गर्व की बात है, बहुत बहुत, और हम लोग यही चाहेंगे जितने भी हमारी कम्युनिटी है ऐसे ही NMRC की तरह अगर हमें मौका मिलता रहे जॉब, हाँ, और स्टेशन ऐसे हो या हमें मौका दिया जाए जॉब करने का, तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। और इसमें क्या चाहते हैं आपकी, क्या परिवर्तन हो, आप लोगों को कोई अभी भी असुविधा होती हो, कोई बुरा एक्सपीरियंस होता हो कुछ ऐसा अभी प्राइड स्टेशन बनने के बाद से या स्टेशन पे? अभी तक तो फिलहाल ऐसा कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ नहीं, सब सिमिलर है, सब रिस्पॉन्स भी सबका अच्छा ही है, क्योंकि अभी हमें फिलहाल 3 महीने हुए हैं प्राइड स्टेशन का है। हमें जैसे हाँ पूरी समानता मिलती है, जैसे कि एक लड़का एक लड़की को मिलती है स्टेशन पे, ऐसी हमें मिलती है। ये स्टेशन कहीं ना कहीं वाकई में हमारे देश को गर्वान्वित कर रहा है, देश के एक तबके को जो जरूरत थी एक्सेप्टेंस की वो मिल रही है, एक बहुत खुशी की बात है, और इन लोगों से रूबरू होके हमें बहुत अच्छा लगा है। अभी के लिए इतना ही, यहाँ से जो यहाँ पे जो मेला लगा हुआ है जो स्थापना दिवस में, यहाँ से और स्टोरीज आप तक पहुँचाएंगे, जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।